फैक्ट नंबर एक, अच्छा खाना तो छोड़िए साहब, लेकिन अगर आपको नॉर्मल खाना भी नसीब हो रहा है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी ऐसी चीजें खाकर अपना पेट भरने को मजबूर हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मडागास्कर के लोग व्हाइट क्ले यानी कि सफेद मिट्टी से अपना पेट भरने को मजबूर हैं, साउथ सूडान के लोग जंगली घास खाकर अपना पेट भर रहे हैं, और हेती के लोगों के पास तो खाने को है ही नहीं, वो लोग मिट्टी में नमक मिलाकर उसके बिस्किट बनाकर खा रहे हैं। इसके अलावा फिलीपींस में जो मीट फेंक दिया जाता है कूड़े के अंदर, उसे इकट्ठा करके उसे धो के फिर से पकाकर गरीबों को खिलाया जा रहा है। इसीलिए खाना फेंकने से पहले 100 बार सोचिए। फैक्ट नंबर दो, अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि नामी और बड़ी बड़ी कंपनियों के बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं उनसे ज्यादा सेफ और कुछ हो ही नहीं सकता, वो बच्चों की स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते होंगे। ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, और माना यह जाता है कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में दूध का इस्तेमाल करती है जिससे बच्चों की स्किन सॉफ्ट बनी रहे। लेकिन हाल ही में ब्रुकलिन की महिला ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर यह आरोप लगाया है कि उनका टेलकम पाउडर इस्तेमाल करने की वजह से उनके बच्चे को कैंसर हो गया है। और यही नहीं, इस तरह के 22,000 दावे आने पर न्यूयॉर्क की अदालत ने कंपनी पर 890 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।